गर्मी से मरते थे लोग, थोड़ा फुंसी होती थी। अभी इस वक्त ये सब निजात है, यानी पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, जो बड़े आदमी एसी चल रहा है, रोड अच्छी हो गई है, लाइट अच्छी है, रोड अच्छी है। हमारा अपना धंधा नहीं अच्छा। हम तो ये समझ रहे हैं कि राहुल गांधी जो है उतना सही काम नहीं कर पाएंगे। वो दूसरा अगर नेता आएगा तो काम कर सकता है। दूसरे नेता कोई भी अगर आ जाए कांग्रेस में, कोई भी नेता जैसे ममता बनर्जी आ जाए, ये लोग आ जाए, राहुल गांधी तो के अंदर दिख के लड़कपन है, राहुल गांधी के अंदर वो बात नहीं है। तो बोलने का वो नहीं है, तो बोलने उनको बोलने का वो नहीं है। विपक्ष जो है अक्सर उनको घेर लेती है, छोटा छोटा मुद्दा बना के उनको घेर लेती है। इस बार तो ये माहौल बनाया जा रहा है कि मुस्लिम जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाने वाले हैं अधिकतर। हम आपको यही नहीं बताए कि जो अगर ये धार्मिक मुद्दा अगर खत्म हो जाए, जो इनके खोटे नेता दुआनबन बोलते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़वाते हैं, टोटल वोट मुसलमान का चला जाएगा भाजपा के ऊपर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भट्ट पर। लोकसभा चुनाव होने में बस कुछ ही समय बाकी है, सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लोकसभा से 80 सीटें यहां से आती है। इस समय हम लोग उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश में ही, यहाँ आम जनता से जानेंगे कि क्या माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? साहिर। ये जो लोकसभा चुनाव अभी होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल रहने वाला है? जो बढ़िया काम करेगा उसका माहौल रहेगा, तो वोट दिया जाएगा। क्या लग रहा है कि ये जो सरकार है यही बनी रहेगी या परिवर्तन इस बार होने वाला है? अब जो बढ़िया करेगा उसको वोट दिया जाएगा। अब ये हम नहीं बता सकते कि ये सरकार रहेगी कि नहीं आएगी, जो बढ़िया करेगा। देखिए, हमारे हिसाब से जो सरकार जो है 10 साल तो हो गया है, अब जनता का मिजाज के ऊपर है कि जनता क्या चाहती है। सब सारा दारोमदार डिपेंड सब जनता के ऊपर है। क्या विकल्प इस बार दिख रहा है? विकल्प तो हमको जो है जो भी लग रहा है जो है जनता बताएगी क्या है क्या नहीं है। अब हम लोग अपने से कैसे बताएं? नहीं, जैसे 10 साल अभी बोल रहे हैं कि सरकार को हो गया है, तो ये परिवर्तन चाह रहे हैं, तो क्या विकल्प लग रहा है? देखिए, हम एक बात बता दें, हमारे हिसाब से इस सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। खाली एक मुद्दा हटा दे, धार्मिक मुद्दा जो ये लोग करते हैं ये हटा देंगे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। धार्मिक मुद्दा जैसे कैसे? जैसे हिंदू मुसलमान वाला जो मुद्दा बनाते हैं, ये चीज अगर हट गई तो इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं है। मतलब कौन से सब काम हमको सही लगता है, लेकिन ये जो लिया के बीच में जो ये पटक देते हैं हिंदू और मुसलमान, ये चीज एकदम गलत है। किस मामले पे कह रहे हैं, किस मामले पे हिंदू मुसलमान देखने को मिला? राजनीति में हिंदू मुसलमान बनाते हैं कि नहीं नेता लोग? हम बड़े नेता को नहीं कह रहे हैं, जो छोटे नेता है, जो जो जैसे कि जो छोटे नेता है, सभासद है, विधायक है, ये लोग जो है गलत काम करते हैं। कोई पर्टिकुलर से ऐसी घटना जो है जो आपको याद हो, जो सारे हिंदुस्तान में ये घटना होती है? भाई, सारे हिंदुस्तान में होती है। कुछ और लोग हैं, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? जी, रवि पांडे। क्या कहेंगे, जो लोकसभा चुनाव है बस कुछ ही समय रह गया है, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? ये तो काशी है, आध्यात्मिक नगरी, बाबा की नगरी है। हाँ। यहाँ पे तो सब नमो नमो है, कोई दिक्कत नहीं है। बाप मोदी जी थे, मोदी जी दोबारा आएंगे। विपक्ष का महागठबंधन इस बार हुआ है, सभी पार्टियां इकट्ठी हैं, कोई फर्क नहीं, सारी जनता जानती है, सारी दुनिया जो भी यहाँ के यूपी के हैं चाहे यूपी के बाहर हैं। और विदाउट करप्शन जो देश हित में काम हो रहा है, चाहे कोई भी सेक्टर हो, अच्छा हो रहा है। और उनको वंस अगेन कंटिन्यू आना चाहिए, और उसमें कोई संदेह नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी पनौती हैं, इस प्रकार की भाषा बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। पनौती किसी की नहीं है, जो जिसका जहाँ पे है वो चीज़ होना चाहिए। और मेन चीज़ है कि पब्लिक को तो गवर्नमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें हर विकास के नाम पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, बहुत अच्छा डेवलपमेंट का तो देश का बहुत अच्छा हुआ है लगभग 10 सालों में। कौन से काम आपको अच्छे लग रहे हैं सरकार के? सारी चीज़ें जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड, चाहे डिफेंस हो, रोड है, शहर के काम है। पहले बनारस की स्थिति क्या थी 14 के पहले, आज बेहतरीन हर तरफ, कहीं कि कोई ये नहीं है कि प्रॉब्लम कहीं गली गुच्चे में प्रॉब्लम है या कहीं सड़क में, लाइट बिजली सब कुछ अच्छा है। थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, महंगाई जो रसोई की चीज़ें बढ़ी हैं, इससे शिकायत है कि चीज़ें हर आदमी उससे सफ़र कर रहा है। जो सिंपल आदमी है, एक लोअर मिडिल और मिडिल में प्रॉब्लम यही है, सफ़र कर रहा है किचन से, किचन की चीज़ें में थोड़ी सी
स्मूथली हो जाए, चीज़ें अच्छी हैं। तो सरकार आपको ठीक लग रही है? सरकार ठीक है, कोई से दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए हम लोग भी बुनकर हैं, हम लोग को बुनकरी से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग को पहले सब्सिडी में बिजली मिलती थी, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है। सब्सिडी का कोई फाइनल नहीं हो रहा है हम लोग के तरफ, बुनकर को उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और बाकी सरकार की कोई दिक्कतें नहीं है, सब कुछ ठीक है। ये जो आप लोग को समस्या आ रही है बुनकर वाली, जो आप बता रहे हैं बिजली की समस्या आ गई है, ये क्या बहुत सरकार को हमको बिजली देना है तो भी साफ कर दे, नहीं देना तो भी साफ कर दे, बात ठीक है। बिजली का पैसा अधिक ले रही है? हाँ, वो मतलब हम लोग का बुनकर का मसला भी फंसा हुआ है, सरकार को क्लियर नहीं कर रही है कि वो ना सब्सिडी देगी कि नहीं देगी, बुनकर इसी बीच में फंसा हुआ है। क्या ये इतनी बड़ी समस्या है कि इसके लिए सरकार बदल दी जाए कि छोटी समस्या मान रहे हैं इसको? नहीं नहीं, इसके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं मानते, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम सरकार बदलने की क्यों बात करेंगे? और राहुल गांधी को कैसे देखते हैं, वो भी पीएम के चेहरे हैं इस बार? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के रेस में है, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भाई इतना ऊपर तो हम नहीं जा सकते हैं, हम अपने यहाँ पे हैं बनारस में। देखिए राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री के रेस में है, इसलिए कि विपक्ष में कोई है नहीं, जो भी है कांग्रेसियों को लड़ना है, और जो भी ये लोग अपना इंडिया गठबंधन जो बनाए हुए हैं तो कोई विकल्प है नहीं। अब इसमें ये देखना है कि कौन किसको वोट देता है, जो जिसको अगर मान लो खराब लग रहा है कि ये सरकार बढ़िया नहीं काम कर रही है वो इंडिया गठबंधन को देगा, और जिसको लग रहा है कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है तो इसको वोट दिया जाएगा। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के रूप में कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में? हम तो ये समझ रहे हैं कि राहुल गांधी जो है उतना सही काम नहीं कर पाएंगे, कोई दूसरा अगर नेता आएगा तो काम कर सकता है। दूसरे नेता कोई भी अगर आ जाए कांग्रेस में, कोई भी नेता जैसे ममता बनर्जी आ जाए, ये लोग आ जाए, राहुल गांधी तो उसके अंडर डिग के लड़कपन है, राहुल गांधी के अंदर वो बात नहीं है, तो बोलने का वो नहीं है, तो बोलने उनको बोलने का वो नहीं है। विपक्ष जो है अक्सर उनको घेर लेती है, छोटा छोटा मुद्दा बना के उनको घेर लेती है। इस बार तो ये माहौल बनाया जा रहा है कि मुस्लिम जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाने वाले हैं अधिकतर। हम आपको यही ने बताया कि जो अगर ये धार्मिक मुद्दा अगर खत्म हो जाए, जो इनके खोटे नेता दुआनबंद बोलते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़वाते हैं, टोटल वोट मुसलमान का चला जाएगा भाजपा के ऊपर। अरे ये मुद्दा अगर ये खत्म कर दें, बड़े नेता उनके बोल दें, छोटे नेता के अपने कि आप दुआ मत बोलिए, सारा वोट जाएगा। राहुल गांधी तो वही मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं, कह रहे कि मोदी जी नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाएंगे। तो देखिए दो आदमी विपक्ष में इतना दिन बैठा रहेगा और वो हमेशा राज किए हैं, कोई तो बोलबे करेंगे, वो तो बोलबे करेंगे। ये मोहब्बत में भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा की बात ये है कि अभी देखिए कोई भी सरकार अगर आएगी तो नए सिरे से सब पूरा काम करना पड़ेगा, पूरा एकदम जो है 5 साल तो हमको लग रहा है कि एकदम बाजार जो है और बैठ जाएगी। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? आइए और लोगों से हम लोग जानते हैं, काफी लोग यहाँ बैठे हैं। अच्छा क्या नाम पड़ेगा आपका, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम है हाजी निसार अहमद। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव एकदम पास आ गया है? भैया हम चुनाव के बारे में क्या बताएं, मरीज को लेके एडमिट है हम, हमारा तो वही चुनाव है। अच्छा मरीज कहाँ से हैं आप, कहाँ से आए हैं? हम थाना जैतपुरा से हैं। जैतपुरा से हैं जी। तो मरीज कहाँ आपका एडमिट है? मरीज हमारा संवेदना हॉस्पिटल में है। अच्छा, तो ये आयुष्मान भारत कार्ड वगैरह आपका बना हुआ है? हमारा तो नहीं बना है, बना हुआ है इनका, बना है, बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर से पूछा तो वो बोले ऑपरेशन होगा तब उसका काम आएगा, उसका बेनिफिट मिलेगा, खाली दवा या ये सब जांच पांच के लिए नहीं काम देगा। आप रोज हमारा 10,000 लग रहा है, ये हमारे भानोई है, हमारी सिस्टर एडमिट है। तो आयुष्मान भारत कार्ड 5 लाख रुपए का समथिंग ऐसा होता है ना कि 5 लाख का उपचार फ्री में होता है, तो नहीं हो रहा है? डॉक्टर का कहना है कि सिर्फ तो उससे ऑपरेशन होगा। अच्छा, ऑपरेशन पर क्या होता है? हाँ, तो ऑपरेशन कराना नहीं है, ये किडनी के पास मवाद रहती है। अच्छा। अभी हम लोग निस्वा कराए, 7,000 रुपया देते हैं। मवाद में ऑपरेशन नहीं होगा? अब वो मवाद है वो कैसे निकल जाएगा? वो छेदा करके निकालते हैं और जो लटका दिए थैली, कई 4 दिन ये लगी रहेगी।
सरकार मतलब किसको देखेंगे? मोदी एक चेहरा है प्रधानमंत्री के रूप में, राहुल गांधी भी एक चेहरा है। अभी देखिए हम लोग थोड़ा सा उलझे हैं, हम इस पर कुछ नहीं बहस कर सकते हैं। अभी जो है काम सरकार का सही है कि नहीं सही है, जिसको ज्यादा अनुभव है वो बता पाएगा। अरे आप अनुभवी लग रहे हैं, आप लगते अपने आप में परेशान है इस समय, कहाँ से पैसा आए कि इलाज किया जाए। मजदूरी करने वाले हम लोग क्या इस चक्कर में पड़े, भाई सरकार जिसकी भी रहे, हमको काम करना है, रोज कुआं खोदना है, पानी पीना है। सरकार आप लोग के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है? देखिए सरकार का काम जो दिख रहा है वो एक अलग चीज है, और हम लोगों का जो बिजनेस है, जब से बीजेपी सरकार आई है बहुत डाउन है। 2014 से हम लोग कमा नहीं पा रहे। कौन सा बिजनेस? हमारा मैन्युफैक्चर, हम लोग बनारसी साड़ी और पावर लूम मैन्युफैक्चरिंग एंड डीलिंग बनाते हैं और बेचते हैं। तो जब से ये बीजेपी सरकार आई है हम लोगों का धंधा नहीं चल रहा। सरकार तो कह रही कि सेंटर वगैरह खोल दिए हैं बुनकरों के लिए उधर लालपुर में, तो हम आपके साथ लेके चलते हैं। हमारी साड़ी अगर 1,000 रुपये की है तो आप 1,000 की बिचवा दीजिए तब हम जाने। अच्छा मतलब क्या पॉलिसी से? अलग है, बिकना अलग है। सरकार ने क्या पॉलिसी चेंज की जिससे सरकार ने पॉलिसी चेंज की कि वहाँ विदेश के लोग आए और उसको देखें, वो शोरूम है। अब आप कोई माल से जाइएगा तो उस माल में आपको जो सामान 1,000 रुपये का मिलेगा वो नॉर्मल दुकान से 500 रुपये का मिलेगा। तो हम अगर मजदूरा है तो हम बताइए माल से 1,000 का ले कि 500 का ले के अपनी ज़िंदगी काटें, आप ये बताइए, बताइए आप। नहीं समझ में नहीं आया, जैसे आप बोल रहे हैं कि पहले काम सही चल रहा था, अब नहीं चल रहा है। सरकार थी तो स्पोर्ट खुला हुआ था। अच्छा। यानी जिस बॉर्डर से चाहे आप माल लेके जाइए। अच्छा। पाकिस्तान का बॉर्डर हो, अफगानिस्तान का बॉर्डर हो और कहीं भी। और जब से बीजेपी सरकार आई है हर बॉर्डर को आतंकवाद के की निगाह से लेके उसको जो है बहुत ही बाउंड कर दिया गया है। कपड़े उपड़े का काम तो बांग्लादेश बॉर्डर से ही होता होगा? हाँ, बांग्लादेश तो खुला हुआ है, होता है पाकिस्तान से भी होता है, हर जगह से होता है, खुला है। अभी आप ले जाइए तो जो टैक्स आपको 1,00,000 देना था वो 10,00,000 देना है, मतलब जीएसटी वगैरह जो लगा है उससे भी प्रॉब्लम, जीएसटी की बात हो रही है। पहले देखिए 10% एक नंबर से जाता था, 9% दो नंबर से जाता था, तो अब दो नंबर का धंधा सब बंद है। वहीं से समस्या, दो नंबर का बंद रहेगा तो रनिंग जो पैसा दौड़ रहा है मार्केट में वो दौड़ना बंद हो गया। अभी हम लोग कोई खाता पहले नहीं रखे थे, जब से ये सरकार आई हम लोगों का सारा बैंक में खाता है। हम लोग किसी को भी पेमेंट दे रहे हैं तो जीएसटी के थ्रू खाते से दे रहे हैं, और कहीं भी माल बेच रहे हैं तो जीएसटी के थ्रू बेच रहे हैं। तो खुल के धंधा नहीं हो पा रहा है, इसलिए मंदी बाजार। धीरे धीरे बढ़िया ही होगा सब कुछ, मतलब हम लोग तो कोई इससे पीछे नहीं, बढ़िया और देश तरक्की करे हम इस लोग इसके हाथ में। रोड बन गई, बिजली बहुत अच्छी रहती, जो तारीफ सुनना है सुन लीजिए। गर्मी से मरते थे लोग, फोड़ा फुंसी होती थी, अभी इस वक्त ये सब निजात है। यानी पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, जो बड़े आदमी ऐसी चल रहा है, रोड अच्छी हो गई है, लाइट अच्छी है, रोड अच्छी है, हमारा अपना धंधा नहीं अच्छा। पहले कितने घंटा बिजली आती थी यहाँ पे बनारस में? अरे 24 घंटा में 16 से 15 घंटा मिलती थी, 7 से 8 घंटा कटती थी। अब कितना है? अभी तो जो है तो इसको 24 घंटा है, कभी कोई फॉल्ट हुआ तो गई 10-20 मिनट में चली, नो कटौती है। सब बोला जाता है कि बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं, योगी जी मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो क्या उनके लिए क्या? नहीं देखिए हम लोगों को कभी सोच ऐसी नहीं थी और हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए राशन मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, वैसे हम अभी तक एक दाना नहीं लेकर खाए हैं, हमारे अंदर है क्षमता, हम चल रहे हैं। तो जो भी है, जैसे आयुष्मान कार्ड है तो मुस्लिम को मिल रहा है तो हिंदू को भी मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भेदभाव सिर्फ इलेक्शन के मौके पर करके दिखाया जाता है, हाँ, या कहीं कोई खुरफात आदमी हर मजहब में है, हिंदू हुए मुसलमान हुए सिख हुए, अगर 9% आदमी 99% सही है तो 1% जरूर गड़बड़। देखिए अभी मैं BHU में गया अपने साले को लेकर, हम जैसे डॉक्टर के यहाँ जाना चाह रहे थे, दरवाजे पर 5 आदमी बैठे थे, सिर्फ हम उनसे ये कहा कि भाई साहब यहाँ पे इतना रस है, आप थोड़ा सही साइट में बैठिए, ये बैठने की जगह नहीं है।
कहे कि तुम अपना काम करो, तुम अपना देखो, हम अपना देख रहे हैं, तुम मरोगे तो पाकिस्तान में जाओगे, हम मरेंगे तो भारत में रहेंगे। देखिए वो एक नफरती आदमी, लेकिन हमसे तो बहुत लोगों से साफ कपड़ा ऐसा कोई नहीं बोला, तो वो सोच को हम लोग अपने मतलब माइंड में नहीं लेते हैं। उसने बोला, मैंने सुना, निकाल दिया, काम खत्म। ये ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी और लोगों से हम लोग जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? महेंद्र द्विवेदी। आप क्या कहेंगे, जो लोकसभा चुनाव अभी आ गया है पास में, क्या रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव के लिए? मेरा व्यू रहेगा कि मोदी जी आए, क्योंकि अभी उनकी बहुत ज़रूरत है देश को। एक साफ सुथरे छवि के नेता हैं, ऐसे नेता होना चाहिए देश में। देश को अग्रसित करें और उत्साहित करें, युवा पीढ़ी को भी उत्साहित करें थोड़ा सा। जो अभी बैड पोजीशन जा रहा है वो सिर्फ युवा को लेकर के जा रहा है, जो कि अभी वहाँ तक सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी छवि खराब हो रही है बनारस के अंदर। यहाँ पे अभी जितने भी स्टूडेंट अभी क्वालिफाइड करके बाहर निकल रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचा जाए, उनको उत्साहित किया जाए, कॉलेज से निकलते टाइम ही उनको कुछ न कुछ व्यू दिया जाए, उनके लिए एक ऑप्शनल दिया जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर किसी को जॉब मिले, रोजगार मिले, ऐसा नहीं हो सकता। कोई न कोई व्यू पॉइंट उनको दिया जाए जिससे उनकी जीविका चले, ऑप्शन मिले। एक ऑप्शन हर एक इंसान के पास होना चाहिए, और वो यदि नहीं सोच पा रहे हैं तो ये काम होना चाहिए सरकार का कि कुछ न कुछ उनके प्रति सोचे। उसके बाद बाकी सरकार जो भी काम कर रही है, लाइक आप ले लीजिए रोड से लेकर के, डेकोरेशन से लेकर के, शहर क्लीन से लेकर के, अच्छा आया है। अभी विगत मतलब 2014 से अब तक का जो व्यू पॉइंट रहा है, यहाँ कुछ अच्छा ही दिख रहा है, डे पर डे कुछ अच्छा हो रहा है। स्टेडियम जो अभी यहाँ पे आया है, स्टेडियम के लिए भी बन रहा है, तो ये एक अच्छा बनारस के लिए है, एक हाईलाइट होने का भी बहुत एक जरिया बन गया है। इससे रोजगार भी उत्पन्न होंगे लोगों के। बनारस का जो एरिया था, कंजेस्टेड एरिया था, बहुत सिकुड़ा हुआ था, डायलेट था पूरा, तो उसको जो है थोड़ा सा फैलाव में करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट रख रहे हैं कि इधर जो है आप स्टेडियम डाल रहे हैं, आप उधर जो है उसको शहर से जो चीज़ें हैं उसको निकाल के बाहर कर रहे हैं, तो वो एरिया भी डेवलप कर रहे हैं, हो रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ध्यान देने की और ज़रूरत है, बाकी मोदी जी आ रहे हैं। राहुल गांधी तो बोल रहे कि मोदी जी पनौती हैं, अच्छा नहीं होता उनके आने से कुछ भी। देखिए ऐसे नेता को ऐसा बोलना अच्छी बात नहीं है, जो है वो है। हम एक नागरिक हैं, एक सिविलियन के तौर तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी जो भी है, लीडर है, लीडर के ऊपर लोग कुछ भी छींटा डाल सकता है, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई यही है कि वो देश के लिए, देश को उत्साहित करने के लिए ही वो नेता बने थे, देश के लिए ही बने थे, और देश को उसने दिया अपना जो भी टाइम दिया है, उसने देश के लिए दिया है। आई एग्री विथ यू, आई एम 90% पर्सन एग्री विथ मोदी जी, बिकॉज ऑफ देयर की कोई मतलब सेल्फिश का कोई वही नहीं है, सेल्फ के बारे में नहीं सोचना, बस देश के बारे में समर्पित, जो भी समर्पित है वो देश को समर्पित है। राहुल गांधी भी इस बार चेहरा है, विपक्ष का महागठबंधन हुआ है, क्या उसका उनके बारे में कुछ? महागठबंधन से कुछ नहीं होगा। देखिए एक पहले की जो जनता थी, पहले की जनता में ये था कि उनको सही और गलत कुछ परसेंट में लोग थे जो कि समझ पाते थे। आज भी वहाँ पॉइंट देने के लिए आपको यहाँ पे 100 लोग मिलेंगे, बट पहले क्या था, एक दो लोग ही मतलब आपको मिलते थे। उसका रीजन ये था कि एक लोग जो बोल देते थे उसी पे चल देते थे लोग। आज लोगों को क्या सही है क्या गलत है, इतना सोचने समझने की मतलब क्षमता हो गई है। आप बताइए सर, आपका क्या कहना है? मेरा तो कहना यही है, अभी तक जो भी हो रहा है, जैसा भाई साहब ने बताया, सारी चीज़ें अच्छे बताए हैं, और देश का विकास हो, देश का विकास होगा तो हम सबका जरूर विकास होगा। अब देश आगे बढ़ेगा तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो आगे मोदी जी 24 में आ ही रहे हैं, और उनके आने से देश में काफ़ी चीज़ें सुधार हुई हैं, जो भी गुंडा मवाली जो कुछ भी थे कंट्रोल हुए हैं, नहीं तो आम जनता के लिए जीविका बड़ा मुश्किल हो गया था।
तो आ रहे हैं और आज बेहतर हो रहा है, होगा भी, यही है बाकी। और जैसा इन्होंने बताया सब कुछ अच्छा ही बताए हैं। राहुल ओहुल ये भी तो रेस में है, हैं सब हैं, हर लोगों की जरूरत है। अभी किसी और का माहौल है, जो लोग अच्छा कर रहे हैं, विपक्ष में लोग नहीं रहेंगे तो देश का विकास कैसे होगा। विपक्ष में भी मजबूत लोग रहना जरूरी है, तभी तो मोदी जी कुछ अच्छा काम करेंगे, नहीं तो फ्री फंड हो जाएंगे तो कुछ भी कर देंगे। बताइए चाचा, आप बताइए, मोदी बढ़िया कि राहुल? मोदी जी तो चल ही रहे हैं, मोदी जी चले तो अच्छी बात है, क्योंकि जो भी काम हो रहा है बढ़िया हो रहा है। आइए और कुछ लोगों से हम लोग जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? क्या नाम पड़ेगा? अवनीश पांडे। जो लोग कहाँ से है? बनारस से ही है? नहीं, मैं कानपुर से। ये जो लोकसभा चुनाव आ गया है पास में, इस बार किसको देखना चाहेंगे पीएम आप लोग? मोदी जी को। क्यों देखना चाहेंगे? उन्होंने वाराणसी में बहुत कुछ कार्य किया, वाराणसी में बहुत अच्छा कार्य किया। कानपुर में तो कुछ नहीं, कानपुर में काम नहीं किए हैं? नहीं, कानपुर में किए हैं, बट वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, मथुरा हो गया, इधर अच्छा काम किया है। और ये राहुल वगैरह ये सब भी रेस में है, इनके बारे में क्या कहेंगे? उनका तो सर मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आपने सुनी, यहाँ पे बनारस में हम लोग हैं, यहाँ पर भारत भर से लोग आए हुए हैं, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेके, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आपने सुना ही क्या कहा लोगों ने, और धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग देखते रहे प्यारा भारत, धन्यवाद, नमस्कार।